Thank you.
जय हिंद देशवासियों, मैं आर्मी मेडिकल कोर का जवान सिपाही सिंधव चौकीदास MH रानी के 153 जेस परमानेंट पोस्टिंग जा रहा हूँ। और हर जवान यही चाहता है कि मेरे देश की सेना की इज्जत सबसे ऊपर हो, लेकिन ये कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। अब बात सिर्फ शाही ड्यूटी तक सीमित नहीं रही, बहुत कुछ गलत हो रहा है। शायद ही 100 में से एक मामला सामने आता है, तब जाकर सरकार जांच के आदेश देती है। हमारे देश का रक्षा बजट सबसे ऊपर बड़ा है और ये आम लोगों की जेब से आए हुए पैसों का है। जवानों को सुविधा तो बहुत कुछ दी जाती है, लेकिन ये सब दिखावा है। बहुत सारी यूनिटों में खाना भी दिया जाता है तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, ना कि जरूरत के लिए। सबसे सस्ता सब्जी, सबसे सस्ता फ्रूट और सबसे घटिया खाना दिया जाता है। कि मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है, 2 घंटा हो गया जी सर, और कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। मेरा डीजी के बताओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, मैं मर जाऊंगा भाई। 2 घंटा हो गया, कोई हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है। पूरा ब्लड मेरे शरीर से निकल गया और मैं 5-10 मिनट में मर जाऊंगा भाई। मेरे बचा लो मेरे को। मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सर से बता रहा हूँ, गृह मंत्री से, मेरे को बचा लो भाई। मेरा DGP मुझे बचा लो, मेरा छोटा छोटा बच्चा है रे भाई। कोई डॉक्टर 2 घंटा से मेरे पास नहीं आया है, मैं चिल्ला रहा हूँ। आखिर घटना हुई थी? अरे बाप रे, ID ब्लास्ट हुआ, ID। अब मैं मर जाऊंगा भाई मेरे। सोशल मीडिया पर एक जवान का वीडियो वायरल हो रहा है। दुश्मनों का मुस्कुराकर सामना करने वाला जवान बिलक बिलक कर रो रहा है। जवान क्यों रो रहा है, उसे क्या तकलीफ है, आप खुद सुनिए। एक मैसेज देना चाहता हूँ सिर्फ हम सैनिक बलों के लिए जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सभी जवानों से, सभी अधीनस्थ अधिकारियों से, सभी अधिकारियों से गुजारिश करता हूँ कि बहुत हो गया। जिस खुशी के लिए हम लोग उतने दूर दूर रहते हैं, वैसे जंगलों में रहते हैं, खाना नहीं मिलता है, नेटवर्क पे बात नहीं होती है। जिस माँ बाप की खुशी के लिए, जिस बच्चों की खुशी के लिए, जिस बीबी खुशी के लिए, कितने घर ऐसे लोग उजड़ गए हैं आप जानते हैं, अब बर्दाश्त नहीं। सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय की दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं है। 2 महीने पहले BSF जवान के इस वीडियो को हर कोई शेयर कर रहा था। सेना में खराब खाना दिए जाने की शिकायत करते हुए तेज बहादुर यादव ने फेसबुक पर अपना ये वीडियो पोस्ट किया था। तब हर किसी की जबान पर तेज बहादुर के चर्चे थे, लेकिन अब उसी जवान के बारे में चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तेज बहादुर की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें एक आंख कपड़े से ढकी हुई है और नाक के पास खून लगा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि तेज बहादुर को प्रताड़ित करके मार दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, आपको निकाल दिया गया है। लेकिन क्या लगता है कि जो सरकार ने दावे किए थे, वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आपको लगता है कि आएंगे? शायद इतिहास में सबसे बुरे दिन हमारे जवानों के लिए हैं। आज जवानों के सरेआम सर काटे जा रहे हैं। आप कश्मीर में देखोगे, इतिहास में कभी ऐसा ना हुआ जो हथियार लेके जवान खड़ा, उसके ऊपर थप्पड़ मारा जा रहा, लाते मारी जा रही है और जवानों के सर काटे जा रहे हैं। जो जवान मुंह खोलता है, आपके सामने एग्जाम्पल मैं हूं, जो पूरे देश ने मेरा सपोर्ट किया, उसके बावजूद नहीं सरकार का मुड़ी। आज ये जवान रोडों पे भीख मांग रहे हैं, कोई वकील इनका केस नहीं ले रहा। सरकार के दबाव इतना है कि इनका जवानों केस लेने को तैयार। आज हम भीख मांग के अपने बीवी बच्चों का गुजारा करने के लिए घूम रहा है। कहां से अच्छे दिन है, काहे के अच्छे दिन, हम ये पूछना चाहते हैं। सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करी और पाकिस्तान पे बहुत सारे दावे कर रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। आपने कहा कि जवानों के सर कट रहे हैं और वही सरकार कह रही है कि हम एक के जगह 4 सर ला रहे हैं या सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये क्या? तो एक के जगह 4 से एक भी सर दिखाए सरकार। सर्जिकल जो सरकार ने स्ट्राइक की, उस टाइम मैं वहां उसी पोस्ट के अंदर मौजूद था। मैं बता सकता हूं, मैं ये नहीं खुलासा करना चाहता सुरक्षा का मामला कैसी सर्जिकल, ये कोई नई बात नहीं है। हर सरकारें ये काम करती आई है। ये जो फौजा सेना का काम है, ये सरकार जो है बेवकूफ बनाने की जानबूझ के इशू बना रही है। सरची सरकार, हमने ये किया वो किया, फौज का वो काम है, वो अपना काम करने दीजिए। लेकिन नहीं तो फिर क्यों जवानों की इतनी हत्या हो रही? 700 जवान बीमारी से मर चुके हैं। सरकार क्या, इन्होंने क्या ध्यान दिए? आज पैरामिलिट्री के जवानों के, इन्होंने कहा था हम 1 रैंक 1 पेंशन देंगे, आपको ये सुविधाएं देंगे, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं। जबकि अफसरों को इतने जो इन्होंने पावर दी गई है कि कोई भी जवान को 24 घंटे में डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके घर भेज रहा है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। क्या हमारे लिए क्या यही अच्छे दिन है? सर आपने कहा कि जैसे 700 जवान बीमारी से मरे हैं, तो क्या वहां पर सुरक्षा इंतजाम या उपचार के कोई पूरे मुख्तार इंतजाम नहीं होते? हमारे पैरामिलिट्री के जवानों को कोई भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाके डाल दिया जाता है, मरे जिए, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है सरकार की, वो अपने पैसे से इलाज कराता है।